हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से दोबारा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर। जिस तरीके से हम एनडीए क्लासेस की जो क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, एक एक क्वेश्चन से हम आप लोगों को दो चार पांच जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं, मैं आप लोगों को कंटिन्यू जो है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जिस तरीके से डेली मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसी तरीके से आज अपनी हम क्लास फिर नए सिरे से चालू करते हैं और हम देखते हैं हम कि हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हो गए थे। हमारा क्वेश्चन 65 हो गया था, लवण जल ब्राइन सॉल्यूशन हो गया था, ठीक है, दोने का सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया था और फिर व्यंजक चूड़ हो गया था। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में 68 में थोड़ी प्रॉब्लम थी, ये जो है यहाँ पर अपचायक लिखा था, ये हमने ध्यान नहीं दे पाया, जबकि व्यंजक चूड़ जो है ब्लीचिंग पाउडर यूज नहीं, सही नहीं है इसका जो था आंसर। दरअसल यहाँ हमने देख नहीं पाया था, अगर यहाँ उपचायक लिखा होता उपचायक, तो जो व्यंजक चूर्ण जो है उपचायक के रूप में कार्य कर, मतलब इसका प्रयोग होता है, ठीक, कागज़ कारखानों में ये तो होता था। और यहाँ पे एक ऑप्शन था सी, पेयजल के वी संक्रमण रोगाणु, इसके लिए इसका जो है जो वी संक्रमण के लिए भी रोगाणु नाशन के रूप में भी व्यंजक चूर्ण का यूज होता है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी पिछले क्वेश्चन में, वो मैंने उस पर ध्यान नहीं दे पाया कि यहाँ उपचायक मैं पढ़ गया लेकिन लिखा था अपचायक, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड जो प्रोसेस लिखा था और रिड्यूस्ड करता है, जबकि व्यंजक चूर्ण जो यूज होता है रिड्यूस्ड के लिए यूज होता है रासायनिक उद्योग में, अपचायक के रूप में यूज नहीं होता है। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस का है, ठीक है, ये मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से, तो मैं उस क्वेश्चन के टॉपिक में मैं ये आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर हमारा हो गया था क्वेश्चन, तो ठीक है, इसका आंसर जो है था राइट आंसर इज ए था, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, इसके लिए नहीं ध्यान दे पाया मैंने, सॉरी, ठीक है, हो जाता है कभी कभी जल्दी में, क्योंकि टाइम थोड़ा बचाने के चक्कर में, मैं जल्दी के चक्कर में ये जो है हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था एड्स वायरस हो गया था, जो HIV वायरस हो गया था, ठीक है। 17 क्वेश्चन था ये भी हो गया था कि जो कोशिकांग कौन सा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है, यूकैरियोटिक से संबंधित ये भी हो गया था। 71 हो गया था, ठीक है, वुमेन सपोर्ट इसका राइट आंसर था, ठीक है, वुमेन सपोर्ट इसका राइट आंसर, कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता, तो इसका बी आंसर इज द राइट आंसर। 72 था कि वर्गीकरण से संबंधित जो प्लांट क्लासिफिकेशन से संबंधित जो भी था क्वेश्चन, इसका भी मैंने अच्छे से आंसर आप लोगों को दिया। अगर आपने पूरा वीडियोस ना देखा हो तो एक बार टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर देखें, इसमें मैंने फेनरोगैम्स, ठीक है, फेनरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स के बारे में अच्छे से बताया है, जो कि यहाँ पर लिखा है आप लोगों को कि फेनरोगैम्स क्या होते हैं। अगर आप लोग ये छोटी छोटी बातें अगर नहीं सही से समझेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाता है, तो फिर क्या है, बस तुक्का लगाओ और माइनस मार्किंग तो 1/3/3 है ही, ठीक है, तो अगर आप तुक्का लगा देते हैं तो आप निगेटिव में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान देना पड़ता है। तो आप जो भी क्वेश्चन आप तैयार करें, ठीक है, वो टोटली जो भी टॉपिक बनता है उसका, तो उससे पूरा ही टॉपिक आप लोग तैयार करें, ठीक है, घबराएं करते ही ना, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, तब तक हम सोच रहे हैं कि ढेर सारे मैं क्वेश्चन सीरीज करा दूंगा, और जो भी क्वेश्चन सीरीज मैं जिस तरीके से करा रहा हूं उसमें जो भी क्वेश्चन बन जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे पौधों का वर्गीकरण हमने बता दिया कि पौधे कितने किस रूप में पाए जाते हैं, जैसे क्रिप्टोगैम्स होता है, फेनरोगैम्स होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी, मैंने ब्रायोफाइट बताया था, टेरिडोफाइट बताया था, ठीक है, जिम्नोस्पर्म बताया था, एंजियोस्पर्म बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दी हैं। अगर आपने पूरा वीडियोस नहीं देखा तो एक बार वो वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए उपयोगी है। इस चीज़ से जो प्लांट वर्गीकरण है, पौधों के वर्गीकरण से संबंधित ढेर सारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने जनरली शॉर्ट शब्दों में आपको समझा दिया था क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, फेनरोगैम्स क्या होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, और टेरिडोफाइट क्या होते हैं, फंगस क्या होते हैं, ये मैंने, और थायलोफाइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या हो गया था इसका 73 जो था 73 उसका क्वेश्चन जो है, हाँ ये भी हो गया था, ठीक है, ये जो है इसका पदानुक्रम पूछा था, जो अनुक्रम क्या होता है, ठीक है, फाइलम, जैसे पहले किंगडम आता है फिर फाइलम आता है, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये भी आपका करा दिया था क्वेश्चन, ठीक। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपने जिसने भी वीडियो नहीं पूरा देखा
तो वो जाके पूरा वीडियोस देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन के जो आंसर दिए हैं मैंने और भी अच्छी तरीके से दिए, इसका दिया ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ से तैयार होते हैं। यही नहीं है कि इसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर भी अगर कोई एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये ऐसे ही आते हैं, यहीं से ही पूछे जाते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज डीपली नॉलेज रखते हैं तो आप क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ दिया जाए आप लोग कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये था पादपों पे मैरिज टाइम। हाँ यहीं पे दे, यहीं पे मैंने वीडियोस को एंड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वीडियोस लॉन्ग हो रही थी थोड़ा, तो क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं और हर एक क्वेश्चन के जो भी रिलेटेड होते हैं लगभग 5-6 या 3-4 जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको कम्प्लीटली करा देता हूँ। उसी तरीके से आज मैं अपने वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं 74 से, ठीक है। इसमें जो प्लांट की बात कर रहा है, प्लांट में जो मैरिज टाइम ऊतक होते हैं ना, टिश्यूज़ जो होते हैं, क्योंकि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, सेल्स ढेर सारी जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना लिवर ऑर्गन्स बनता है, ठीक है, और जैसे कि जो भी ऑर्गन्स है, पैंक्रियाज है, ये सब सेल्स से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं, तो फिर ऑर्गन से बन के हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जो मिल के बनता है वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कोई भी जीव जो भी होता है, ठीक है, प्रोसेस रहता है। तो मैं अपनी शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ, मैरिज टाइम ऊतक क्या होते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, जनरली पादपों में मेरिस्टमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे पूछ रहा सही है। पिछले क्वेश्चन में आप थोड़ा हम ध्यान से आपको बताएंगे कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि जल्दी पढ़ाने के चक्कर में जल्दी कम समय में मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाए, तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, डोंट माइंड, अगर हो जाएगी तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ फिर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो 74 क्या है कि पादपों में जो मेरिस्टेम ऊतकों के बारे की बात कर रहा है कि जो टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, अभी मैं इसको टॉपिक वाइज पूरा आपको तैयार करा रहा हूँ, पढ़ लेते हैं कि ये मृत ऊतक होते हैं, कास्ट में परिवर्तित होते हैं, अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों कारण ये पादप को नम्रता यानी लचीलापन प्रदान करते हैं, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं, ठीक है, या फिर इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को अगर राइट आंसर बता दें तो आप लोगों क्या है, आपका कोई टॉपिक तैयार नहीं होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अगर ये घुमा फिरा के कहीं और कुछ पूछ दिया जाए आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो मेरा वही पुराना प्रोसेस, ठीक है। हम बात करते हैं पादपों में जो ऊतक होते हैं टिश्यू, वो सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी इमेज पर और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को उसकी ढेर सारी जानकारी, उससे जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यू जो होते हैं, जो एनाटॉमी की बात करता है, मतलब जो भी ये क्वेश्चन कर रहा है एनाटॉमी ऑफ प्लांट, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके कन्फर्म हो जाएंगे। फिलहाल वो चैप्टर बड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो मेरिस्टेम टिश्यू हुए हैं पादप के, उसी से रिलेटेड आपको हम आंसर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इमेज पर और इसका जो सॉल्व देखते हैं कितना अच्छा था, आप लोगों को फिर इसका आंसर ऑटोमेटिकली आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ इनमें से क्या है। ऐसे हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या है तो कोई फ़ायदा नहीं बनता है, ठीक है। रटंत विद्या ना फलंति चा, वही डायलॉग जो टीचर्स अभी तक कहते रहे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने इमेज पर और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। हम पहुँचते हैं अपने इमेज पर और जो टिश्यूज़ के बारे में हम जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इससे आप आराम से सुनिए और धैर्य रख के सुनिए और पूरा वीडियोस देखें ज़रूर, छोड़ के ना जाए, नहीं तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके तैयार नहीं हो पाएंगे। अगर रियल में आप ख्वाब देखें कि जॉब करने का, तो अभी से आप मेहनत कर लीजिए, अभी से प्रिपेयर हो जाइए, अपने आप को हैबिट डाल लीजिए, बोरियत बिल्कुल महसूस ना कीजिए, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, ठीक है। इंटर हो गया, इंटर तक तो छूट होती है कि ठीक है इंटर कर लो अच्छे से, घर वाले भी सपोर्ट देते हैं, फ्रेंड लोग भी और भी रिलेशन में रिश्तेदार भी, लेकिन अब शुरुआत तो आपकी अब हुई है, इंटर कर लिया ना, अब आपके पास प्रॉब्लमें आने वाली हैं। कैसे आने वाली हैं कि क्या करता है लड़का या फिर क्या करती है लड़की, ठीक है, कुछ हुआ, जॉब लगी कि नहीं लगी, तो इसीलिए अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए। साइड में अपनी जो भी डिग्रीज करते हैं, बीएससी करते हैं या फिर अदर कोर्सेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अभी से तैयार हो जाइए। और इस टाइम चलते कोरोना वायरस
के चलते हुए आप लोगों को और भी टाइम मिल गया कि एनडीए एग्ज़ाम बाद में होगा, तो इसलिए अभी से सारा सब कुछ छोड़ के, सारा सब कुछ भूल के आप लोग एनडीए की प्रिपेयरिंग करने लगे अच्छे से, तो मैं भी पूरा चांसेस, अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो आपको सिलेक्शन अभी मिल जाएगा। आगे चल के जो पढ़ाई करनी पड़ेगी वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों की जो लाइफ है एकदम मौज मस्ती की कटने वाली है, ठीक है। अगर अभी से लूजर होंगे, अरे छो ठीक है जॉब ही तो है कर लेंगे, ठीक है, अगर इस चक्कर में रहेंगे तो फिर ख्वाब छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई अदर बिजनेस जो भी छोड़ो, फिलहाल मेरा गाइड करने का काम था, मैंने गाइड कर दिया, ठीक है, आज लाइक, ठीक है, जो भी आपको पसंद लगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी था मैरिज टाइप टीशू से, वो हमने अपनी इमेज जो है ओपन कर ली है, ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं, देखते हैं। लिखा है अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन, इसका अर्थ समझते होंगे, ऐसा ग्रुप सेल्स का जो है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कोशिकाओं का ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो परफॉर्म करता है ए पर्टिकुलर, एक सिंगल फंक्शन, मतलब एक ही पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, इज कलेक्टिवली कॉल्ड टिश्यू। आखिर टिश्यू क्या होता है, कि टिश्यू जो है, जो भी ऊतक होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे पैंक्रियाज का जो भी है, ठीक है, पैंक्रियाज अपना खुद का अलग जो भी स्पेसिफिक फंक्शन है वही करता है, जैसे लीवर है अपना, वो अपना अलग ही फंक्शन करता है, तो ठीक है, इस तरीके से जो भी टिश्यू ऊतक होते हैं उसका फंक्शन अलग ही होता है, जैसे ब्लड है, ठीक है, ब्लड का जो है कार्य अलग होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो ये सारे चीज़ें आपने समझ ली होगी, पहली पॉइंट, पहली लाइन आपको अच्छे से समझ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अ टिश्यू मे बी डिफाइंड एज, जो टिश्यू को डिफाइंड किया जा सकता है कैसे, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, जो ग्रुप है, जो समूह है कोशिकाओं का, या तो सिमिलर हो सकती हैं या डिसिमिलर हो सकती हैं, सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, जो भी उस ग्रुप की जो भी सेल्स होंगी, हमने अभी पहले बताया था कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, यानी कि ऊतक, ठीक है, जब ढेर सारी सेल्स मिलती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू को फॉर्म करती हैं, तो उसी जो उसका समूह है, उस समूह में जो भी सेल्स कोशिकाएं होंगी वो या तो सिमिलर हो सकती हैं या फिर डिसिमिलर हो सकती हैं, समान या फिर असमान हो सकती हैं एक दूसरे से, हैविंग कॉमन ओरिजिन, लेकिन वो कोशिकाएं जो भी उस समूह की कोशिकाएं होंगी उनका ओरिजिन जो होगा, जो भी वो उत्पन्न होंगी, एक ही जगह से होंगी, एक ही जगह से कॉमन ओरिजिन होता है, जैसे जहाँ से वो उत्पन्न होती हैं वो एक ही जगह से उत्पन्न होंगी, एंड परफॉर्मिंग, ये देखो पॉइंट अच्छा है, ठीक है, टाइम जरूर लगेगा, टाइम नहीं लगने दूंगा, बस इतना ही है, एक ही बार में अभी ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा भी क्या मैं पढ़ लूँ समझ में ना आए, ठीक है, तो जो है कि इसके जो ग्रुप की जो सेल्स होती हैं वो कॉमन ओरिजिन होता है उनका, जो उत्पन्न होने की जगह एक ही होती है उन सभी कोशिकाओं की, और परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, और उनका कोई भी जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो टिश्यूज आर मैनली डिवाइड इंटू थ्री कैटेगरीज, जो भी ऊतक होते हैं, प्लांट टिश्यू की बात कर रहा है कि जो भी ऊतक होते हैं, यहाँ प्लांट टिश्यू की बात हो रही है, तो वो कितने डिवाइड, कितने रूप में किया गया, कैटेगरीज में, थ्री कैटेगरीज में। नंबर एक, फर्स्ट क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम, यानी कि पहला क्या है, मेरिस्टेम टिश्यू, फिर परमानेंट टिश्यूज और फिर सेक्रेटरी टिश्यूज। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर हमें देना है, वो पहले टिश्यूज टाइप से है, इस वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से रिलेटेड है, और ये वाले अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको हम बाद में आप लोगों को इससे दोबारा रिवाइज करा देंगे, जिससे आपको तैयार हो जाएगा, और आने आएगा जरूर ही क्वेश्चन, ठीक है। ये जैसे कि जो सेक्रेटरी टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू, जैसे जाइलम है, फ्लोएलम है, आप लोगों को पता है जाइलम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का क्या कार्य, तो नहीं पता क्वेश्चन आने दीजिए, मैं दोबारा फिर जो दो टिश्यू जो बचे होंगे प्लांट के, वो मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ पहली कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये होते क्या है, मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, द वर्ड मेरिस्टेम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मेरिस्टोस,
हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो भी बायोलॉजिकल टर्म हैं वो या ग्रीक होंगे या लैटिन होंगे। तो यहाँ पे मेरिस्टेम है, जो मेरिस्टेम जो है, जो टिश्यू का नाम है, वो जो है मेरिस्टोस से लिया गया है, ग्रीक शब्द। ये कैसा है, ग्रीक वर्ड है। मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियोज, नहीं देखा तो आप लोग जाइए ज़रूर देखिए, मेरी एक भी क्लास मिस मत कीजिए, ठीक है। मैं आपको अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरिस्टोस जो है ग्रीक वर्ड है, तो इसका जो अर्थ क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस डिवीजन। तो आपको यही पता चल गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो हमेशा कॉन्टीन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं। जो भी टिश्यू होंगे, मेरिस्टेम टिश्यू क्या होंगे, उनकी जो सेल्स होंगी। आप लोगों को तैयार हो गया है क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। तो फिर मेरिस्टेमेटिक जो भी टिश्यू होंगे उनकी जो सेल्स होंगी, क्योंकि सेल्स का ग्रुप होता है, सेल्स का समूह होता है, जो भी उसमें सेल्स होंगी उसका अर्थ ही क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टोस का अर्थ होता है कॉन्टीन्यूअस डिवीजन। ये लगातार कोशिकाएँ डिवाइड होती रहती हैं। और कोशिकाएँ कैसे डिवाइड होती हैं, सेल जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन, जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको अच्छे से सेल डिवीजन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट आपको पता चल गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं लगातार डिवाइड होती रहती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, एंड द टर्म मेरिस्टेम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो टर्म है मेरिस्टेम का, जो टर्म है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, नगेली एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के द्वारा ये मेरिस्टेम जो भी टर्म है वो जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह, विच आर मच एक्टिव एंड कैपेबल ऑफ शोइंग कॉन्टीन्यूअस डिवीजन और रीडिवीजन। कि ऐसा कोशिकाओं का समूह, जो मेरिस्टेम जो भी टिश्यू है उनकी सेल्स यानी कोशिकाएं, ऐसा समूह कोशिकाओं का जो एक्टिव एंड कैपेबल ऑफ शोइंग, जो कैपेबल होती हैं शोइंग मतलब दर्शाने के लिए, कौन क्या क्या चीज़ दर्शाने के लिए, कॉन्टीन्यूअस डिवीजन, देख दिख रहा है ना आप लोगों को, कॉन्टीन्यूअस डिवीजन और एंड रीडिवीजन। क्योंकि ऐसी जो भी कोशिकाएं होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस डिवाइड होती रहती हैं और फिर रीडिवीजन भी हो जाती हैं, ठीक है, हमेशा डिवाइडेबल होती हैं सेल्स, इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट, द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो उसका फीचर्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जो भी विशेषताएं होती हैं वो देखो, डिस्कस्ड बिलो यानी नीचे दी गई हैं। नंबर एक, दे कंटेन इमैच्योर एंड यंग सेल्स एंड आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड डिवीजन। जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कंटेन इमैच्योर होती हैं, यंग होती हैं, क्योंकि तुरंत ही जो कि कोई चीज़ अगर तुरंत जनरेट हो, तुरंत पैदा हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, इमैच्योर कहते हैं। जैसे अभी अगर क्लास टेंथ का बच्चा जो भी है वो इमैच्योर कहलाता है, क्लास टेंथ से नीचे के बच्चे इमैच्योर कह जाते हैं, जब 18 के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे मैच्योरिटी आ जाती है। तो वैसे ही तो जो कोशिकाएँ इसकी डिवाइडेबल होती हैं तो वो कैसी कही जाएंगी, इमैच्योर एंड यंग सेल्स होती हैं, एंड आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड डिवीजन, और उनमें जो शक्ति होती है, कैपेबिलिटी होती है, किसकी होती है, रिपीटेड डिवीजन, वो रिपीटेड डिवीजन कर सकती हैं, ठीक है, तैयार हो गया होगा, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने हमारी कोई भी क्लास छोड़ दी और आप लोग कंटिन्यूटी अगर मेरी क्लास ले रहे हैं तो बायो आपके लिए इंटरेस्टेड मैं बना दूंगा, गारंटी है इस चीज़ की, बस मेरी बातों को सुनते रहिए। अब वैसे भी मेरी बातों से बोर नहीं होने वाले हैं, हाँ थोड़ा आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गले में, लेकिन हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आने वाला है, ठीक है। अभी तक आपको ये नहीं पता था कि मेरिस्टेम टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू बनते कैसे हैं, ठीक है, से उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, कुछ नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे, आप मेरी हमसे जुड़े रहिएगा तो आपको बेहतरीन नॉलेज मिलेगी, और आपको जो खुद में आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनकी भी मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, आप किसी भी साइड के हों, चाहे बायो हो चाहे मैथ हो, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंटर सेलुलर स्पेस आर नॉट प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू की हमने बात आपको बता ही दी कि देखो, अब हम आपको समझा दें कि एक ये सेल्स है, एक ये सेल्स है, एक ये सेल्स है। अब जे ग्रुप हैं,
ये कोशिकाओं के जब ग्रुप बनेंगे तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दरअसल जो भी कोशिकाओं का ग्रुप होगा उसे ऊतक हम कहते हैं। अब हमारा एक तरीके से ये टिश्यू बन गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेस आर नॉट प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये इंटरसेलुलर क्या होता है समझ लो, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको समझाया था, इंटर और फिर सेलुलर, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए कि इंटरसेलुलर क्या होता है, आप लोग समझ लीजिए कि इंटर, ये आपको हमने पहले वीडियो में बताया था, दूसरी वीडियो में भी बताया था कि जो भी बायोलॉजिकल टर्म है या तो ग्रीक है या फिर लैटिन है, तो यहाँ पे जो इंटर ये क्या है, एक प्रेफिक्स है। क्या है बच्चों, प्रेफिक्स, हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया, अच्छा सा वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया था। आप लोग अगर कंटिन्यू वीडियो पूरा पूरा देखते चलेंगे तो आपकी बायो तो ऐसे ही समझने वाली, मतलब डन होने वाली है। और आजकल जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी होते हैं, उसमें साइंस का पोर्शन जो है बहुत ही दमदार रहता है। जैसे रेलवे की बात करें तो साइंस ही पूछी जाती है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो इसलिए हमारी क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, और मैं यहाँ पे तो टीचिंग करूँगा ही, और जो मेरा सेकंड चैनल है मैं वहाँ भी जो कंपटीशन लेवल की जो भी तैयारी है मैं वहाँ भी क्लास करने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पे क्लास प्रोवाइड हो रही है क्योंकि यहीं पे मैं अभी थोड़ा अपना टाइम दे रहा हूँ, उस पे भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप लोग यहीं से अभी से ही मेरी क्लास से जो है चालू कर दीजिए कंटिन्यूटी। जब भी मेरी क्लास कोई वीडियोज़ पढ़े ज़रूर देखा करो, थोड़ी बोरियत हो सकती है किसी भी कारण, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज देता रहता हूँ। कुछ लोगों को पसंद है, अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, ठीक है। अभी कोई भी टीचर है बायो पढ़ाएगा लेकिन ये चीज़ें नहीं बताएगा, लेकिन ना मैं बताऊँगा आप लोगों को, इससे ना इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में बताया था प्रेफिक्स, यहाँ पर इंटर क्या है, प्रेफिक्स है, और सेलुलर जो है एक मूल शब्द होता है, यानी कि कोशिका से संबंधित, ठीक है। अब इंटर का क्या मतलब होता है, इंटर को हम यहाँ पे लिख दें बिटवीन, बिटवीन या शॉर्ट फॉर्म में हम लिखा करते हैं बिटवीन, ठीक है। बिटवीन यानी कि कोशिकाओं के मध्य, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है, आप लोग समझ गए होंगे, इंटर यहाँ पे जो लिखा है इंटर सेलुलर, जो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, यानी कोशिकाओं के, जो भी ऐसी कोशिकाएँ हैं, ये कोशिकाएँ हो गई एक ऊतक की, तो इंटरसेलुलर स्पेस आर नॉट प्रेजेंट, जो भी इंटर यानी इनके मध्य, कोशिकाओं के मध्य में जो हमने स्पेस, यहाँ पे देखो स्पेस बना दिया, इस कोशिका के बीच स्पेस बना दिया, ये स्पेस नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इसका मतलब ये कोशिकाएं आपस में इतनी सतह से बिल्कुल पास पास सट के चिपकी होती हैं, इनमें जो क्या नहीं होता है, आपका ये लिखा है कि नॉट स्पेस आर नॉट प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको ये भी पता चल गया कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कोशिकाओं का समूह होता है, और जिन कोशिकाओं के समूह में बीच में जो स्पेस नहीं होता है उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट, इसके फीचर्स हम बता रहे हैं, दो हो गए, नंबर थर्ड, हाँ यहाँ पे एक इंट्रा भी होता है, ठीक है। इंट्रा, इंट्रा सेलुलर भी आएगा आपको पॉइंट में, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चन जो भी होंगे उनमें कहीं ना कहीं मिल जरूर जाएगा, तो मैं आपको इतनी डीप नॉलेज दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो इंट्रा होता है कि इनसाइड, इंट्रा का जो प्रेफिक्स ये हो गया था, इसका अर्थ होता है इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है उसके अंदर, ठीक है। और बिटवीन का मतलब होता है पास पास कोशिकाएं सटी हुई, तो ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को। फिर आपने अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करा, नंबर थर्ड है, दे कंटेन होमोजेनियस थिन सेलुलोजिक वॉल, ठीक है। जो भी इसकी कोशिकाएं होती हैं मेरिस्टेम टिश्यू की, जो भी कोशिकाएं होती हैं, वे कंटेन होमोजेनियस थिन, थिन का मतलब पतली, होमोजेनियस का मतलब होता है समान, ठीक है। जो भी कोशिकाएं उसकी होंगी समान होंगी, होमोजेनियस होंगी, और थिन यानी पतली होंगी, सेलुलोजिक वॉल, जो उनकी जो दीवार होगी कोशिकाओं की, जैसे ये है, और इसकी जो दीवार होगी ये, जैसे सेल वॉल बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये दीवार होगी वो सेलुलोजिक होगी, ठीक है, सेलुलोज से संबंधित दीवार होगी, पतली होगी, कैसी होगी, पतली होगी,
और होमोजीनियस होगी, यानी सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, होमोजीनियस। जबकि कैंसर जो होता है, कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं, कैंसर अगर हो जाता है तो उसकी जो सेल्स होती हैं अनडेवलप्ड, जो भी डेवलप्ड होता है उनका अनकंट्रोलेड हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है, तो उसकी जो भी सेल्स होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं। हेट्रो मतलब कि असमान तरीके से होती हैं, असमान होती हैं। यहाँ पे जो इसकी जो कोशिकाएं होंगी मेरिस्टेम टिश्यू की, वो कैसी हैं, होमोजीनियस थिन सेलुलोजिक वॉल, ठीक है। फिर नंबर फोर्थ, दे कंटेन लार्ज न्यूक्लियाई, कहने मतलब कि जो कोशिकाएं, अब कोशिकाओं में जो कोशिका के अंग होते हैं, इसमें देखो अंदर जो क्या होता है, एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, राइबोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, गॉल्जी बॉडीज होती है, कोशिकांग होते हैं, उसी प्रकार से जो केंद्रक होता है, बीज का जो पार्ट जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो क्रोमोजोम होता है इस केंद्रक के अंदर, तो ये बात कर रहा है, दे कंटेन लार्ज न्यूक्लियाई। तो ये जो है, ये कोशिकाएं, अब यहाँ न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, और न्यूक्लियाई होता है बहुवचन, यहाँ पे यूज हुआ है न्यूक्लियाई, क्योंकि वहाँ टिश्यू की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टिश्यू की, जब टिश्यू की बात हो रही है तो वहाँ पे एक ग्रुप है कोशिकाओं का, क्या है, यहाँ पे देखो लिखा ग्रुप है, तो उस ग्रुप में जो भी उसके न्यूक्लियाई होंगे, यानी सारे न्यूक्लियाई जो मिला के बता रहा है कि हर एक जो कोशिका में लार्ज न्यूक्लियाई होंगे, यानी कि जो केंद्रक होगा बड़ा होगा, ठीक है। और फिर ये लिखा है एसोसिएटेड विद एबुंडेंट साइटोप्लाज्म, और जो भी दे कंटेन लार्ज न्यूक्लियस, जो भी कोशिकाएं होंगी उनका न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज और एसोसिएटेड, यानी कि जो भी केंद्रक, जैसे यहाँ पे केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है, एबुंडेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो क्या होगा कि एबुंडेंट साइटोप्लाज्म, एसोसिएटेड विद साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एबुंडेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म इन कोशिकाओं में होता है, यानी कि तरल रूप में ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तरल पदार्थ इनमें ज़्यादा होता है, ठीक है, अब गॉट इट। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, नंबर फाइव, दे आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, ये जो है मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का एक प्रोसेस, मिक्स प्रोसेस होता है, इसमें एनाबॉलिज्म होता है, चीज़ें जुड़ती हैं, और एक कैटाबॉलिज्म होता है, चीज़ें जो है टूटती हैं, तो इसका जो भी ये प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म, तो दे आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव होती है, मेटाबोलाइज जो चीज़ों को जोड़ने में और तोड़ने में बहुत जल्दी से कार्य करती हैं, एक्टिव बहुत होती हैं, बट लेकिन they do not store food material and further no plastid in them। देखो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट पॉइंट है मेरिस्टेम टिश्यू का, कि जो कोशिकाएं होती हैं मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं, लेकिन स्टोर, डू नॉट स्टोर फूड मटेरियल, जो भी खाने संबंधित जो भी मटेरियल होता है उसको स्टोर नहीं करती हैं कोशिकाएं, नहीं तो मोस्टली कोशिकाएं जो है खाने को स्टोर करती हैं, लेकिन ये खाने को स्टोर नहीं करती हैं, फर्दर नो प्लास्टिड इन देम। अब भाई खाने को स्टोर क्यों नहीं करेंगी, इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि उसमें प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्टिड ही होता है, क्योंकि कोशिकाओं में जिन कोशिकाओं में प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट में हमारी फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया ये कहती है कि जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी खाने का निर्माण होता है, जब इसमें इन कोशिकाओं में मेरिस्टेम टिश्यू की सेल्स में जब हमारा प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा तो फूड मटेरियल कैसे स्टोर होगा, समझ में आया। अगर ये पॉइंट आपने रट लिया ना, और समझ लिया तो समझ लो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा कि इसका मतलब कि वही कोशिकाएं खाने को स्टोर करती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, गॉट इट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि ये हम पढ़ रहे हैं आपके मेरिस्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं, मेरिस्टेम जो भी सेल्स होती हैं, यानी कि जो टिश्यू होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर सिक्स है, वैक्यूल्स आर स्मॉल और अब्सेंट, जो इसमें, अच्छा हाँ फिफ्थ की बात कर रहे हैं, हाँ फिफ्थ तो हो गया, ठीक है, सिक्स्थ की बात कर रहे हैं, वैक्यूल्स, जो कोशिकाओं में ये वैक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएं, जैसे यहाँ पे केंद्रक होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक खाली स्थान होता है, दिखाया जाता है खाली तो नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक तरल से भरा हुआ होता है, ठीक है, कई क्वेश्चन आया तो हम इस कोशिका वैक्यूल्स के बारे में अलग से बताऊंगा, इसका भी एक बहुत मेन रोल होता है, तो इसमें जो वैक्यूल्स होती हैं, जो रिक्तिकाएं होती हैं दो, इधर जो भी रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है, आर स्मॉल, बहुत छोटी होती हैं, या तो फिर अब्सेंट होती हैं, या तो होती ही नहीं है, ठीक है,
मेरिस्टेम सेल्स की जो वैक्यूल्स होती हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन पॉइंटों से अगर आपको तैयार हो गए ये आपके 8 पॉइंट, ठीक है, इन्हीं 8 पॉइंटों से ही तो वो क्वेश्चन है। अभी हम आपको बैक देखेंगे, उसका आंसर हम इसी से आधारित करके देंगे, ठीक है। तो इस ये 8 पॉइंट आपको तैयार कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स आर स्मॉल और एब्सेंट। फिर नंबर नेक्स्ट है 7th, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन शेप। जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, ठीक है, वो कैसी होती है, आइसोडायमेट्रिक इन शेप, जो उनका आकार होगा कैसा होगा, आइसोडायमेट्रिक होगा। जो भी कोशिका है मेरिस्टेमेटिक, जो भी सेल्स होती हैं उनका आकार कैसा होगा, आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसोडायमेट्रिक होता है, आइसो देखो ये भी एक शब्द हो गया अपना बायोलॉजिकल टर्म में, तो इसे भी हम पहुंच जाएं तो प्रेफिक्स भी है इसमें, और नेक्स्ट एक मूल शब्द भी है, ठीक है। जो मीट्रिक का मतलब होता है मीटर से संबंधित, मैथमेटिकली जो है मीटर होता है, इसका मतलब इसे हम कहते हैं डायमेट्रिक। अब इसमें डाई लिखा है तो डायमेट्रिक का होता है व्यास, ठीक है, और आइसो मतलब होता है सम, ठीक है। जो भी इनकी कोशिकाएं होंगी तो समान व्यास की होंगी, ठीक है, इसका ये अर्थ है। कहने का मतलब ये है अगर हम एक कोशिका इतनी बड़ी बनाएं तो दूसरी कोशिका भी इसी इतनी बड़ी होगी। तो ये जो भी कोशिकाएं होंगी, जैसे हमने चौकोर बना दी लेकिन कोशिकाएं ऐसी होती हैं, तो ये आइसोडायमेट्रिक होती हैं। सभी कोशिकाओं का व्यास कैसा होगा, समान होगा। नंबर 8, अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू इन विच सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली, ठीक है, ये जो भी हैं इनकी जो टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं डिवाइड्स कंटिन्यूसली, हमेशा डिवाइड होती रहती हैं, कंटिन्यूसली कैसी होती रहती हैं, डिवाइडेबल होती हैं, यानी कि जीवन फेज, ठीक है। ये अपना ये लिखा है, ये अपना सेल साइकिल का एक टर्म है, ये हमारी सेल साइकिल है। कभी सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जो सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है जीवन फेज, और फिर सेकंड होती है यस फेज, और फिर होती है G2, और फिर होती है एम फेज, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, क्या कहने का मतलब कि जो कोशिका जीवन फेज में जाएगी, फिर एस वन में जाएगी, फिर G2 में जाएगी, फिर एम में, और फिर वही दोबारा फिर जीवन में जाएगी, यानी ये सारी कोशिकाएं डिवाइडेबल होती रहती हैं, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन था इन्हीं 8 पॉइंट से रिलेटेड था, ठीक। और हम आपको जनरली एक और बात बता दें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये जनरली है कि दरअसल इट कंसिस्ट ऑफ, बात वही है डिवाइडिंग, ये अलग इमेज है उसी तरीके से, इट इज़ क्लासिफाइड, ये आपको बता दें जनरली आपको थोड़ा इंटरेस्ट करने के लिए, कि ये इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेम होते हैं कितने टाइम के, एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर होता है इंटर, अच्छा जूम कर लें, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, अच्छा इस पर जूम नहीं होगा। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, और नंबर 3rd होता है लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो जनरली इस पॉइंट को हम ख़त्म करके आपको जनरली बता दे रहे हैं, इसका फंक्शन होता है हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। जो भी स्टेम और रूट होगी, जैसे रूट टिप, ये देखो ये जो जड़ है, जड़ की जो टिप होती है, इसमें मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये सारी टिश्यू जो बढ़ने, जो लगातार डिवाइड होती रहती हैं, उसमें मेरिस्टेम टिश्यू होता है। तो ये वाली जो टिप रूट है, तो इसमें एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है। कैसा होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, दे लाई एट द बेस ऑफ लीव्स। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो भी होता है, जो यहाँ पे लाई करती हैं, ये बेस ऑफ लीव्स, जो बेस ऐसे एक पत्ती बनी, ठीक है, इसका जो बेस होता है जहाँ पे जुड़ी होती है टहनी से, ये हमारा कहलाता है बेस इसका। तो लाई एट द बेस ऑफ लीव्स, जो पत्ती की जो बेस है, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। और जो जड़ में जो पाए जाते हैं, वो हमारे पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरनोड विच अकर बिटवीन मैच्योर, और जो भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जहाँ पे इंटरनोड, जैसे कोई एक टहनी है, आप लोगों ने देखा होगा जो एक टहनी के बीच में जो एक गांठ पड़ जाती है, इसे हम कहते हैं इंटरनोड। जब इंटरनोड, यहाँ पे जो भी टिश्यू पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। फिर अगला
इसका जो फंक्शन होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, हेल्प्स इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है इसका फंक्शन इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, ठीक है। फिर इसके बाद लैटरल और भी देख लेते हैं, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। जो ये दो मेरिस्टेम होते हैं एपिकल और इंटरकैलरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये कहलाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ये दोनों जो है कैसे होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टिपिकल है लेकिन ये है, आपको हम जनरली शॉर्ट शब्दों में समझा रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है, थर्ड आता है लैटरल मेरिस्टेम। जो लैटरल मेरिस्टेम होता है, द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स। जो यहाँ पे देखो टिप होता है, तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम है, लेकिन जो रूट, जो टिप रूट के जड़ के ऊपर जब हम बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैच्योर हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो टिश्यू पाए जाएंगे मेरिस्टेम के वो किस तरीके से होते हैं, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये लैटरल मेरिस्टेम पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ऊपर बढ़ने पर, एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस वूडी एक्सिस। और ये जो ऊपर अगर जड़ से और ऊपर पहुँचेंगे तो ये जड़ थोड़ी मोटी हो जाती है, तो यहाँ पे जो मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाएगा वो लैटरल पाया जाएगा, और ये जो है लकड़ी जो होती है वूडी बन जाता है। यहाँ पे देखो सॉफ्ट हो गई है, एपिकल मेरिस्टेम सॉफ्ट होता है, लेकिन यहाँ लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वूडी होगा, यानी लकड़ी उसमें होती है। दे अपियर देन प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड द सेकेंडरी और लैटरल। और ये जो यहाँ के जो जहाँ वूडी होती है, जहाँ लैटरल मेरिस्टेम होता है, इसे कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो आप लोग जनरली समझ लो कि इसके जो पार्ट में, जो नीचे के पार्ट में होता है प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, और ये ऊपर जब जड़ के ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर पहुँचेंगे, तो ये थोड़े चौड़े टाइप के और थोड़ा मोटा हो जाता है जड़, तो यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। ये था मेरिस्टेम और इसका फंक्शन, जनरली इसका फंक्शन भी जानना। फंक्शन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट। जो लैटरल मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, ये क्या करता है, हेल्प्स करता है इंक्रीजिंग द थिकनेस, जो है इसके पतलेपन को, स्टेम के पतलेपन को एंड रूट के पतलेपन को जो है हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि जिससे कि वो पतली हो जाएँ, दूर तक जा सकें, ठीक है, और भी उनकी जो भी कैपेबिलिटी होती है रूट की, ठीक है। पूरा सिस्टम ना अच्छा खासा, पौधों का भी बहुत अच्छा सिस्टम होता है। और फिर बात करते हैं, देखो ये था मेरा मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है, हमने आप लोगों को अच्छे समझा दिया। फिर इसके बाद आता है, तीन तरीके के टिश्यू होते हैं प्लांट में, मेरिस्टेम होता है, अब परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। और फिर नंबर देखो, फर्स्ट और नंबर सेकेंड और नंबर थर्ड था सेक्रेटरी टिश्यू। तो हमने फर्स्ट की अच्छे से आपको जानकारी दे दी, इसी से क्वेश्चन रिलेटेड था, इसलिए हमने आपको मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे आता है परमानेंट टिश्यू। अगर कोई इससे परमानेंट टिश्यू से संबंधित जाइलम फ्लोएम जो भी हैं, स्क्लेरा जो भी सिंपल टिश्यू होते हैं, जो भी टिश्यू इसके अंदर आते हैं परमानेंट टिश्यू के, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आता है तो हम इसको आपको टॉपिक कवर करा देंगे। तो यहाँ से इतना टॉपिक कवर हो गया, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको एक दो बार वीडियोज़ को, ठीक है, बैक करके आप लोग देखेंगे तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन था, अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है, उसका आंसर अब आप इतना समझ गए होंगे, आप लोग खुद ही इसका आंसर दे सकते हैं अगर मेरी बातों को सुना होगा ध्यान से और इस सारे पॉइंटों को समझा होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग खुद ही दे सकते हैं, नहीं तो वरना वही है, रट लो जाके उसको, बहुत कठिन है वो, रटा नहीं जा सकता है, ठीक है, अभी बहुत से लोग रट भी लेते हैं, ठीक है। तो हम आ गए अपने क्वेश्चन पर, अब इसका आंसर आप लोग खुद ही दे सकते हैं अगर मेरे इस टॉपिक को, जो भी मैंने आपको समझाया, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर आप लोग खुद ही दे सकते हैं। इसका आंसर देखो, हाँ इसका आंसर, माइक थोड़ा हट गया था, इसका आंसर एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग खुद ही दे सकते हैं कि, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ने में आप आंसर खुद ही निकाल सकते हैं अगर आपने मेरी बातों को समझा होगा, ध्यान दिया होगा, ठीक है। देखो पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में, जो मेरिस्टेम ऊतक होते हैं हमने समझा दिया आपको, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर ए, ये मृत ऊतक होते हैं, ठीक है, ये तो आप लोग समझे होंगे कि मृत होंगे तो आखिर कोशिकाओं को डिवाइड कैसे कर देंगे, वो तो मर ही जाएंगी, कोई भी मरी हुई चीज़ किसी चीज़ को बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ा सकती है, तो ये आंसर तो यहीं से ही इकट्ठा हो जाता है,
कास्ट में परिवर्तित होते हैं, कास्ट में नहीं होंगे, क्योंकि वो जो जड़ में होती है, जो मुलायम जो टूप जो टैप रूट होती है, जो यहाँ पे जो टिप होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है, उसके दबाव तो उसमें पानी जैसा निकलता है, उस फूट भी जाती है। तो आपको आंसर मिल गया ना इसका, ठीक है। ये जो भी एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, कि मेरिस्टेम तो मेरिस्टेम, एपिकल की मेरिस्टेम की बात करें, जो भी जड़ में ही जब पाई जाएगी, जाहिर सी बात है कि ये जो मेरिस्टेम ऊतक है, भी पिछले हमने बता दिया था कि या तो जड़ में पाई जाएगी, या तो जो लीफ की जो बेस होता है, जो यहाँ पे डंठल होता है पत्ती का, जो यहाँ पे डंठल होता है वहाँ पाई जाती है, वो कितना सॉफ्ट होता है, देखो फट से तोड़ो पत्ती टूट जाती है, ठीक है। और या तो फिर किसी भी टहनी, समझ रहे ना मेरी बात, आप समझ गए होंगे अच्छे से, कि कोई भी टहनी है उसके बीच में जो गांठ होती है, ठीक है, अब वो गांठ जो होती है वो कितनी ग्रीन टाइप की होती है, ये भी सॉफ्ट होती है। अब ये तो है नहीं कि वो इसमें जो है उसका तनाव आम के पौधे का और बहुत ही तगड़ा और मोटा हो तो यहाँ पाया जाए मेरिस्टेम, ठीक है, पाया जाता है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है जो कोशिका डिवाइड कर देता है, लेकिन जो बाहर का जो कवच होता है, बाहर जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे नहीं पाया जाता, इसका मतलब वो कास्टीय नहीं होता है, मृत ऊतक नहीं होते हैं, वो जो है लाइव ऊतक होते हैं, कि वो डिवाइडेबल होती हैं, कोशिकाएं डिवाइड तभी करेंगी जब वो जीवित होंगी। तो मेरिस्टेम ऊतक कैसे होते हैं जीवित, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ओके, गॉट इट। और फिर बी देखते हैं, अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों कारण ये पादप को न, अरे भाई जब मोटी भित्ति कैसे हो जाएगी, जब उसकी सेल वॉल मोटी हो जाएगी तो फिर लचीलापन कहाँ से ही प्रदान कर पाएंगी, ये भी गलत है, क्योंकि जब वो रूट के जो है, रूट जो जड़ होती है, जो सबसे नीचे की जड़ होती है, कभी उखाड़ना किसी पौधे को और उसकी नीचे की जड़ देना कितनी सॉफ्ट होगी, तो जाहिर सी बात है तो मोटी भित्ति कहाँ से हो जाएगी, लचीलापन जब मोटी भित्ति हो जाएगी सेल वॉल, तो उसका लचीलापन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, गॉट इट, इकट्ठा करो इसको, यानी कैंसिल करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में पाया जाता, अरे यार जाहिर सी बात है, ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरिस्टेम में जो भी हमने ऊतक बताया है, कि भाई वृक्ष की छाल पे कहाँ पाया जाएगा, या तो वो जड़ के जड़ में पाया जाएगा, या तो वो किसी पत्ती की जो बेस होगा, जैसे एक पत्ती बनाई, ठीक है, इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखा करें, ठीक है, आप लोगों की बहुत सी चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक, जब वो बेस में पाया जाएगा तो छाल कहाँ से आ रही, इकट्ठा हो गया, है ना, गॉट इट, जाहिर सी बात है। अब बचता क्या है, हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब इसको पढ़ लो, देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है, आ गया राइट आंसर, कि मेरिस्टेम जो भी ऊतक होते हैं उनकी सेल्स जो होती हैं कैसी होती हैं, लगातार डिवाइडेबल होती हैं, लगातार डिवाइडेबल होती हैं, विभाजन होता रहता है, जिसी के कारण पादप में वृद्धि होती रहती, पकड़ लिया ना आंसर। अब इसको हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चन बिगिनिंग में, आप लोग बैक जाना और जो क्वेश्चन जब पढ़ा था तब उसको समझना, अरे ये तो बहुत लंबे लंबे आंसर हैं इसके, क्या हो सकता है मेरिस्टेम पादपों में, मेरिस्टेम, अरे हमें तो यही नहीं पता है मेरिस्टेम ऊतक होता क्या है यार, ये क्या मृत ऊतक होता है, कैसा होता है, अरे कुछ भी नहीं होता, अरे लगाओ बी आंसर, हाँ कौन सा बड़ा है, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा एक लगा दो, ठीक है, समझ रहे हो, इन दोनों में से कोई, बहुत से बच्चे होते हैं तुक्का लगाते हैं क्या, अरे ये छोटे छोटे, ये तो होगा नहीं, हड़ा कड़ा, अरे ये भी थोड़ा छोटा, अरे हड़ा, इसका मतलब हाँ ये दो बड़े हैं दो, अब भाई रिस्क ले रहे हैं आप, पढ़ते नहीं हैं लेकिन रिस्क ले रहे हैं, अब इसमें से और बड़ा कौन सा होगा देखना, अब देखो इसका डंडा यहाँ पे है, अरे अच्छा हाँ ये तो बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, जिसका बड़ा आंसर वही आंसर सही, ओके आंसर, आई गॉट एड आंसर, मैंने प्राप्त कर लिया, अरे लो हटाओ लगाओ जल्दी, चल लगाओ गोला करो, टाइम जा रहा है, बी कर दिया, ठीक, जबकि राइट आंसर क्या था हमारा, आंसर था डी, समझ रहे, अब जब टॉपिक अगर आपका पूरा तैयार होगा तभी तो राइट आंसर मिलेगा, नहीं तो वरना 1.33 के हिसाब से अपना जो है नंबर कटवा लो, तो फिर ख्वाब भूल जाओ जॉब के, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या, जल अणु इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि जो है जल अणु, ये चेक करना पड़ता है थोड़ा टच करके कि पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है, तो आप डिस्टर्ब ना होइए, ठीक है। जल अणुओं की वह संख्या मीटर कौन सी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 के दो फार्मूले यूनिट से सह विभाजन साझा करती हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, चाहे आप बायो के हों या फिर आप मैथ्स के हों, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये तो आप दोनों लोगों को ही आना चाहिए, ठीक है, कि जो
प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 के जो दो फार्मूले यूनिट से सहभाजन साझा करते हैं, यानी कि जो पानी के अणु हैं वहाँ के कितने होंगे। ठीक, अभी जितने पढ़ा होगा वो उसका आंसर दे सकता है, 1, 2, 5, 10, नहीं तो वरना वही चीज़ है, बैठेंगे सोचेंगे कितने होंगे, लगा दो कोई सा भी। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसका आंसर प्राप्त किया था, ठीक है, उसी तरीके से हम इसका भी आंसर प्राप्त कर लेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखा करें, ठीक है, हम पता नहीं किस टाइम क्या चीज़ आपको बता दें, समझा दें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। ठीक है, तो हम इसको उसी तरीके से इसको भी पूरे क्वेश्चन को पहले समझें, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसमें जो उसके फार्मूले में जल के अणु कितने होते हैं, और दो यूनिट की बात करता है उसके फार्मूले में, जो दो यूनिट से सहभाजन की बात करता है, साझा की बात करता है, पार्टनरशिप की बात करता है, तो आखिर कितने अणु होंगे, ऐसे आंसर तो आने वाला नहीं है। ठीक है, और तुक्का से काम होने वाला नहीं है। चलो फिर ठीक, हाँ, ये भी जो चीज़ हमने आपको बताई है, ये अभी ये क्वेश्चन आएगा जो आपका मोस्टली जो भी क्वेश्चन हैं आपके, मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये जो इमेज मैं दिखा रहा हूँ या मैंने कल के वीडियोस में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये क्या था बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट बात, कि मैं पता नहीं कब क्या बता जाऊँ आप लोगों को। साधारण नमक से रसायन, जो साधारण नमक एक कच्चा पदार्थ होता है औद्योग में, उसका यूज बताया था, ये टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चन, अभी 1-2 और क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसी ये क्लास 10th की NCERT है बुक, और इसी का ही अगर आप सिलेबस तैयार कर लेते तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं हैं। और उधर आप जो है मैथ्स अच्छी तैयार कर लें, ठीक है, और GK करंट का भी पोर्शन जो है, देखो टाइम मिला तो साइंस के बाद हम ही कवर करा देंगे, लेकिन सर हमारे कवर करा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनको आप लोगों ने देखा नहीं है उनके वीडियोस को। और फिर अगर नहीं अच्छे लगते तो वीडियोस को कमेंट कर दीजिए, कि कमेंट किया करें कि सर अगर ये सुझाव दिया करो हम लोगों को, ठीक है, अगर आप लोगों को जैसे मेरी टीचिंग में या फिर लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमें सुझाव दे दिया करें कि सर अगर ऐसा हो जाए तो और भी अच्छा है, अगर सर सभी टीचरों को जो भी हमारे चैनल के जो भी जितने भी टीचर हैं, ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल छूट है, आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दिया करें, ठीक है, फीडबैक दिया करें, जिससे हम लोग अपने जो भी टीचिंग मैनर्स है जो भी है अपना चेंजेस ला सकें। अब हमें यही नहीं पता चलेगा कि आखिर हमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ठीक, अब जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चों को तो ये लगता है कि हाँ मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं कुछ को तो ये लगता है पता नहीं क्या कितना लंबा पढ़ा देता है, कुछ समझ में नहीं आता, इतनी लंबी चीज़ें बता देता है, तो अरे भाई जाहिर सी बात, अगर आप कंपटीशन करेंगे, आप अगर तैयारी करेंगे किसी जॉब के लिए, तो वहाँ जो बच्चे जो आपको पीछे छोड़ देंगे तो वहाँ आप लोगों की लात मार देंगे, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा ही पढ़ते हैं, वो ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं, ठीक है, समझ गए होगे मेरी बात, ठीक है, हम यहाँ पे गाइडेंस काउंसलिंग भी आपको दे देते हैं थोड़ा टाइम निकाल के। ठीक, चलो यही हम बात कर रहे थे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और इसी चैप्टर जो आपको हमने ये इमेज लगाई जो कल हमने पढ़ाया, दरअसल बात यह है, मैंने इसलिए इमेज लगाई आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग 10th पढ़ आए होंगे, लेकिन हकीकत यह है, ठीक है, बहुत से बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ के आए होंगे, और जो भी आपके जो 2018 के क्वेश्चन हैं जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो 10th की क्लास के ही हैं साइंस के। अब ये जो क्वेश्चन आया है 84, ये भी आपका देखो इसी चैप्टर से है, देखो कहाँ पर है, देखो आप देख लेना क्लास 10th की जो भी चैप्टर है यहाँ से चालू होता है। ठीक, आप लोग ये हेडिंग अगर आप सही से पढ़ेंगे, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, लवण तो आप जानते ही हो, जब अम्ल और क्षार क्रिया, देखो ये चैप्टर का नाम भी लिखा है अम्ल क्षारक एवं लवण, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, लवण, तो लवण जो होता है लवण, क्या लवण के क्रिस्टल, जो लवण जैसे नमक होता है, नमक का कैसा होता है, ऐसे क्रिस्टल होते ना, ठीक है, चमकीले टाइप के, ठीक है, टुकड़े क्रिस्टल होते हैं, क्या वास्तव में शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, जानते ना, ये भी क्वेश्चन आपको देखो समझ में आ जाएगा अच्छे से मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, कि दरअसल जो भी लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वो शुष्क नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो है कुछ पॉइंट में
ठीक है, या तो आधा H2O होगा, या पे कहीं पूरा H2O होगा, यानी कि उसके फार्मूले में H2O जरूर होता है। लवण के जो फार्मूले होते हैं लवण के, उसमें कहीं ना कहीं H2O की मात्रा जरूर होती है, जल की जरूर मात्रा होती है। ठीक है, जैसे NaCl है, ठीक है, अब NaCl है ठीक, लेकिन इसमें H2O की मात्रा नहीं दिखाएगी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी जल होता है। जब हम इसको तोड़े, जैसे एक ये आ गया कि अगर ये क्रियाकलाप, आप ज़रूर इस जो चैप्टर को जाके पढ़ना सही से, अगर देखो आप लोगों को लगे कि हम इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ा दें तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, अगर ये आप लोग पढ़ना, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो भी है, डेमो है, इसको जो भी दिखाया गया इसको पढ़ना और फिर इसको बात को पूरी समझना। और हमारा क्वेश्चन देखो इसी चैप्टर से ही रिलेटेड 84 भी है, क्योंकि यही चैप्टर है नमक वाला, जो हमने कल ये प्रोसेस पढ़ाया था क्लोर चार, तो इसी से ही आपका नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है इसी से ही है। देखो यहाँ पे हेडिंग आती है हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, जिप्सम की बात कर रहा है तो यहीं से आती है। तो ये बात देखो, बताएं कि क्वेश्चन आपको एक बार और देख लें क्या कहता है। निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या मीटर कौन सी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 के दो फार्मूला यूनिट से सहभाजन करती है। इसका मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, ठीक, CaSO4 के दो फार्मूला यूनिट से सहभाजन साझा करती है। तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे, फिर इसका आंसर आप लोगों को खुद भी खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है, इसी चैप्टर में अम्ल और क्षार लवण। तो हम देखते हैं कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी अर्ध हाइड्रेट बनाता है। अर्ध का मतलब आधा, जैसे कि ये जो H2O लिखा है हाफ H2O, तो अर्ध हाइड्रेट बनाता है। तो जिप्सम की हम बात कर रहे हैं कि जिप्सम क्या, ठीक है, यहाँ पे देखो ये है जिप्सम, जिप्सम एक अन्य लवण है। जिप्सम आखिर क्या है? लवण तो समझते हैं कि लवण एक अम्ल और क्षार की क्रिया करने से लवण बनता है, ठीक है, जो लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है, यानी जो भी जिप्सम होता है, हमने अभी देखो इससे पहले देखो ये इमेज देखो, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसमें जो है पानी ज़रूर होता है, ठीक, समझ रहे ना बात को। तो जिप्सम के एक अन्य लवण जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है, यानी जल जो पाया जाता है क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, इसमें क्रिस्टलन के जल के दो अणु होते हैं, यानी जो जिप्सम का फार्मूला जो है, जो जिप्सम का फार्मूला होगा इसमें, इसके रासायनिक सूत्र में जिप्सम के कितने अणु होंगे, ये होंगे 2H2O, CaSO4 into 2H2O, ये फार्मूला है। तो इसके जिप्सम के क्रिस्टल में जल के कितने अणु होंगे, दो अणु होंगे। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं, ठीक है, अब यही जिप्सम है, जो जिप्सम है इसका यूज बता रहा है कि इसका उपयोग कहाँ है। इसका उपयोग देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है, समझ गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से बनता है, जिप्सम से। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जब इसको जिप्सम को हम गर्म करते हैं, यानी कि CaSO4 2H2O को जब गर्म करते हैं, तो यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी हेमी हाइड्रेट, यानी कि ये क्या करता है जिप्सम, अगर जिप्सम देखो किसी भी चीज़ को जब गर्म करेंगे तो जो जल होगा वो बाष्प के रूप में चला जाएगा ना, उड़ जाएगा। तो इसी तरीके से जिप्सम में कितने अणु थे, 2H2O, अब यहाँ पे इसको गर्म किया 373 केल्विन पर, अगर गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका पानी जो है क्या होगा, वो बाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो आखिर उसके फार्मूले में बचेगा क्या, तो जिप्सम के फार्मूले में देखो CaSO4 2H2O है, यहाँ जो उड़ गया गर्म करने पर तो क्या हो गया फार्मूला, CaSO4 और H2O, समझ गया, इसका मतलब कि डेढ़ इकाई इसका जो पानी है चला गया और कितना बचा, हाफ। तो ये जो हाफ बचा यही तो हमारा जो है, यही तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक। पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन आया, पहले तो हम यही जाने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, ठीक, और फिर उसका फार्मूला जाने, ठीक है, किससे बनता है, किससे प्राप्त होता है, और यही हमारा वही चैप्टर चल रहा है, जो कल भी वीडियो में चल रहा था वो आज भी वीडियो में चल रहा है। तो NCERT आप लोग समझते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इस पदार्थ को, इसका यूज़ भी देख लें,
देखो हम पढ़ाएंगे तो फिर ऐसे ही टाइम लग सकता है, लेकिन हम देखो हम पढ़ाएंगे ऐसे ही, नहीं तो वरना हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो भले हम अब ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो हम लॉन्ग नहीं बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे, थोड़ी बनाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी ऐसी बनाएंगे, ठीक। तो इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों में जो प्लास्टर होता है, तो प्लास्टर उसी का नाम प्लास्टर कहते हैं, प्लास्टर कहते हैं कि प्लास्टर चढ़ गया, प्लास्टर चढ़ गया। कोई भी गांव वाला ये नहीं होता, अरे भाई क्या प्लास्टर आप पेरिस चढ़ा दिया डॉक्टर ने, डायरेक्ट शॉर्ट में कहते हैं, क्या कहता है, प्लास्टर चढ़ गया, प्लास्टर चढ़ गया, उसके प्लास्टर चढ़ गया, भाई प्लास्टर आप पेरिस चढ़ गया, ठीक है। तो टूटी हड्डियों को जगह पे स्थिर रखने के लिए क्या आता है प्लास्टर करने में, ठीक, जैसे हम भी बोल गए प्लास्टर करने में क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूड़ होता है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर। अब भाई जाहिर सी बात है क्योंकि भाई जिप्सम से ही हमने प्राप्त किया था, जिप्सम में 2H2O पानी था, उसको गर्म कर दिया हमने, उसका पानी गायब कर दिया बेचारे का, ठीक। अगर उसे फिर जिप्सम बनाना है तो हम करेंगे क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो हमारा जल निकाल दिया था गर्म करके बाष्प के रूप में, अब थोड़ा उसमें और डाल देंगे तो बेचारा जिप्सम बन जाएगा। और ये जैसे ही पानी मिलाते हैं, और ये पहले चूड़ होता सफ़ेद, ठीक है, और ये पानी मिलाएंगे तो ये फिर कठोर हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें पानी, देखो वही चीज़ हमने कहा ना कि 2H2O है, यहाँ पे देखो आपको ये भी समझ में आ गई होगी रिएक्शन, जिप्सम के फार्मूले में कितने हैं 2H2O, हमने भाई गर्म किया, क्या बचा कितना, ठीक है, आधा बचा, तो दो में से आधा इधर इधर निकाल दिया तो एक बच गया। अब यहाँ पे जो फार्मूले चाहिए होगा तो यहाँ पे जो इतना है H2O और इधर इतना जोड़ दिया गया इसकी रिएक्शन, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया गया तो फिर वही जिप्सम फिर बन गया, ठीक है। इसे भी पढ़ लें, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु जो होता है, ये इम्पोर्टेंट है, जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा होता है, ठीक। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में है जो क्रिस्टल के रूप में कितना जुड़ा होता है, जल का आधा ही अणु जुड़ा होता है, ठीक। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, CaSO4 का 2 इकाई सूत्र, यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग, देखो आ गया वही चीज़ हमने पहले ही बताया था, क्लास 10th की NCERT से क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं साइंस के 2018 में। CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है, देखो वही लाइन है और वही लाइन सेम क्वेश्चन में भी पूछ दिया गया है, आप लोग समझ रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा समझ लो। तो हमारा यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के कितने अणु के साथ साझेदारी करता है, ठीक, यही तो पूछा गया, तो इसका आंसर आपको पता चल गया। जल अणुओं की संख्या पूछी गई है किसके साथ, CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट, जल के अणुओं की संख्या बतानी है कि कितनी होगी, किसके साथ, CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट से साझा करती है, किसके साथ, कितने के साथ साझा करती है, और इसका आंसर साफ आपको लिखा है, CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है, आंसर मिल गया। जिस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन का आंसर इसी चैप्टर से ही आपको दिया है, तो इस तरीके से इसका भी क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिला, तो कितनी इम्पोर्टेंट हो गई। तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं पूरा, ठीक, और फिर 4 मिनट देख देते हैं, वीडियो बनता है हमारा 1 घंटे का और आप लोग देख के चले जाते हैं 4 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में, तो और जो भी क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करते हैं वो आप लोग छोड़ देते हैं, तो फिर कैसे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो हमने भी सोचा है कि ना आप 2-3 थोड़ा छोटा वीडियो बनाया करेंगे, आपके 2-3 सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे समझाएंगे, तो आप लोग छोटा वीडियो देख के देखा तब भी करेंगे, तो इससे ये होगा हम वीडियो 1 की जगह 2 डाल देंगे दिन में, ठीक। लेकिन जब वीडियो कोई छोड़ता है तो फिर वो रेगुलरिटी नहीं बचती, हम ये कहते हैं पिछली वीडियो मैंने ये समझाया था, अब वही चीज़ हम दोबारा समझाएं तो फिर वीडियो में टाइम खर्च होता है, तो ठीक है, तो इसलिए वीडियोज़ हम छोटा रखेंगे अब और 1 की जगह हम 2 डालेंगे, वीडियोज़ अपलोड करेंगे, ठीक, जिससे कि आप मेरे पूरे जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ उसका जो भी टॉपिक रहता है वो आप लोग पूरा देखा करें, ठीक है। अब ऐसे ही हम आपको बता देते हैं कि 84 के अणु जल के अणु की संख्या कितनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 रट लो फिर, एक होती है, लेकिन समझ में तो नहीं आएगा,
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो है जिप्सम से बनता है, जिप्सम जो है एक क्या है लवण है, वो उसको जब लवण है तो उसका क्रिस्टल होगा, तो उसमें जो है जो जब क्रिस्टल होगा तो जाहिर सी बात है पानी होगा उसमें H2O, तो उसमें H2O CaSO4 कितने H2O होंगे जिप्सम में, 2H2O होंगे, ठीक है। इसको 373 पर जब गर्म करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है तो जाहिर सी बात है इसका स्वभाव उसका वो चला जाता है, ठीक है, डेढ़ चला जाता है इसका, ठीक, पानी, तो इसका बस किया जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये क्रिस्टल बच जाता है, ये चूरा जो भी प्लास्टर आप पेरिस का बनता है, ये फार्मूला हो गया, ये तैयार हो गया ना आपके एक क्वेश्चन से, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन तैयार हो गए, आप लोगों को पता चल गया कि जो भी लवण का क्रिस्टल होगा उसमें जल कहीं ना कहीं ज़रूर मिला होता है, लेकिन जल के अणु कितने मिले होते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया गया कि जो साझेदारी करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जो जल के अणु के साथ कितनी साझेदारी करता है, बात अगर एक यूनिट की करें, ठीक है, यहाँ मैं दो फार्मूला यूनिट की बात कर रहा है, तो आपको अभी इससे पहले हमने बताया दिखाया था अंडरलाइन करके कि दो फार्मूला यूनिट सहभाजन करता है तो इसका मतलब जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, एक, गॉट इट, हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर नहीं किसी को समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं अच्छे से। हम बात करते हैं कार्बन काजल, यानी काजल समझो, काजल कार्बन कज्जल, कार्बन ब्लैक कैसे प्राप्त किया जाता है, ये हमारा 85 क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसी प्रकार से जो कार्बन ब्लैक क्या होता है, अब क्या है, कुछ नहीं, आराम से इसको हम बता दें कि इसका आंसर ये होगा, रट लो। लेकिन कार्बन ब्लैक से और भी तो क्वेश्चन बनते हैं कि कार्बन ब्लैक होता क्या है, ठीक है, कार्बन ब्लैक किससे प्राप्त किया जाता है, हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम जो भी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको जो है कितने ताप पर किस तरीके से गर्म किया जाता है, पूर्ण रूप से जलाया नहीं जाता, इस तरीके से कम जलाकर जो है कार्बन ब्लैक प्राप्त किया जाता है, उसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है कार्बन ब्लैक का, कार्बन ब्लैक जो है जो भी पैकिंग होती है कागज़ के, जो भी गत्ते बनते हैं जो इंडस्ट्री में, जो भी जहाँ कहीं भी जो भी कार्बन ब्लैक से संबंधित जो कुछ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं उसको इसी तरीके से बताऊँगा, ठीक है। यही मेरा जो टीच करने का या लर्न टीच नहीं करने का, मैं टीच नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो जो मेरा सिखाने का तरीका है बस यही है। लेकिन हमें अच्छा तब नहीं लगता है कि मैंने कल वीडियोज बना दिया कुल क्वेश्चन का, आपको फेनरोगैम्स हमने बताए थे, क्रिप्टोगैम्स बताए थे, हमें पता है बहुतों ने तो वो पूरा वीडियो ही नहीं देखा होगा, बस 4-5 खाली क्वेश्चन देख लिए होंगे, वही 5-6 मिनट का एवरेज वॉच टाइम दिया उसने कि प्रत्येक बंदे ने शायद 5 मिनट के हिसाब से देखा, तो ऐसे देखेंगे कि मेहनत भी करते हैं, फिर कमेंट भी करते हैं, सर बायो की वीडियोस अपलोड कीजिए, केमिस्ट्री करिए, तो फिर थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। तो आप लोग ठीक है वीडियोस को पूरा देखा करें अगर आप रियल में तैयारी करना चाहते हैं, नहीं तो वरना जॉब जो है जॉब के ख्वाब भूल जाएँ, कुछ बिज़नेस करने लगें तो अच्छी चीज़ है, ठीक है, बुरा ना माने, जो रियलिटी है, क्योंकि मैंने MEd भी किया है तो मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो भी चैप्टर्स हैं वो अच्छे से पढ़े थे, मैं एक आपको गाइड कर रहा हूँ, काउंसिल कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। आप लोग रियल में अगर ख्वाब देखें जॉब के तो जाहिर सी बात है आप डीप पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन छांट लो, 100 क्वेश्चन छांट लो, ये सब करना बंद कर दीजिए, एक टॉपिक उठाओ उस टॉपिक को पूरा कवर कीजिए। देखो हमारा देखो ये चैप्टर था, ठीक है, एसिडेंट बेस, इसके 5 क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं एक ही चैप्टर के, और लेकिन बस तैयारी हो जाए, कैसे भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, जबकि सारी तैयारी किताबों में है। क्लास सिक्स से ठीक है आप अगर, चलो ठीक है, मैथ वालों के लिए बता रहा हूँ, बायो वालों के लिए तो ऐसा है कि अगर साइंस की बात करें तो उनका तो फ़िलहाल 6th से 12th चल जाएगा, वो अपना केमिस्ट्री तो उनके पास होती है, बायो भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैथ के लिए कुछ नहीं तो ये है कि आपको बायो की बात करें, जो भी चैप्टर बायो को पढ़ते हैं तो क्लास 6th से आप हो सके तो 12th तक कर लें NCERT तैयार, आप एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए, नहीं तो वरना मैं यहाँ पे एक एक चीज़ बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन वीडियोस पूरा देखा नहीं जाता है तो इसलिए हम जो है वीडियो अब छोटा रखा करेंगे, ठीक। तो 6th से 12th तक अगर तैयार कर लें तो अच्छी बात है, आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यही एग्ज़ाम नहीं, अब तो साइंस हर एक एग्ज़ाम में खूब अच्छे से पूछी जाती है, और नहीं तो वरना क्लास 6th से 10th तक ही आप पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन कहीं जाने वाले नहीं हैं।
और जो भी आपके डीप जैसे बायो को कोई किसी को दिक्कत हो रही है, आप फर्स्ट ईयर जैसे मैथ के जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैथ के स्टूडेंट जो भी हैं ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, अब मैथ के हैं, उन्हें क्लास ट्वेल्थ की और इलेवेंथ की बायो नहीं समझ में आती है, क्लास टेंथ तक तो उन्हें जो भी चैप्टर थे उनके जनरली, ठीक है, साइंस में वो तो उन्होंने पढ़ लिए, लेकिन जो भी डीप नॉलेज जैसे अभी हमने मेरिस्टेम टिश्यू बताया, ये आपका क्लास टेंथ में नहीं मिलता है, ठीक है, फेनरोगैम्स हैं, क्रिप्टोगैम्स हैं, टेरिडोफाइट हैं, ब्रायोफाइट ये नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए हम आपको जो भी क्वेश्चन आता है बायो से रिलेटेड वो मैं आपको बताता रहूँगा, बस यही है कि वीडियो पूरा देख लिया करें। तो वीडियो हमें लग रहा है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है, और वीडियो आगे के जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी जो कार्बन का है ये भी इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कार्बन ब्लैक से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, तो इसको भी हम अच्छे से तैयार करवाएंगे, और वीडियो ना बड़ा होने के चक्कर में, ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जो भी वीडियोस हैं पूरा देखें, और चैनल को अगर नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वरना लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही दिया करें, ठीक है, शेयर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लाइक वाइक तो कर ही दिया करें, ठीक, अरे लाइक भी ना करें, लेकिन वीडियो को जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ वो ज़रूर देख लिया करें पूरा, ठीक है, तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ाने का, जब उस हम वीडियोज़ की लिस्ट देखते हैं जब उस पर वास्ट टाइम नहीं मिलता है तो फिर होपलेस, फिर सोचते हैं हम, अरे छोड़ो कहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं, और वास्ट टाइम आता नहीं है और बच्चे देखते नहीं हैं, ठीक है, हो सकता है कि हमारे जो लर्न कराने का तरीका है वो अच्छा ना हो, तो उसके लिए हमने आपको बताया हम लोगों को फीडबैक दिया करें, जो भी टीचर पढ़ाता है जो भी लर्न करा रहा है यहाँ पे उसको ज़रूर फीडबैक दिया करें, जो भी जिसकी भी कमी हो, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, कर दिया करें, ठीक है, आपकी कमेंट ऐसा हाइड कर दिया करेंगे अगर कोई स्पेशली किसी को कुछ कहते हैं, कोई बात नहीं हाइड कर देंगे, लेकिन इससे है हमारे टीचर्स जो हैं हम जो हैं अच्छे से प्रिपेयरिंग अपनी तैयारी कर लेंगे, जो भी मेरी कमियाँ हैं, ठीक है, अभी तक हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते रहे हैं, इस तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाना थोड़ा टिपिकली हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या कहाँ कमी रहती कहाँ नहीं, ये बात तो आप ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप लोगों आप ही लोग बता सकते हैं किस तरीके से कि हम क्या सुधार अपने में लाएं, तो ठीक है, इसी के साथ हम अपने वीडियोज़ को एंड करते हैं, और वही पुरानी बात, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ, ओके, थैंक्स for watching my videos.